जहां जहां चीन वहां वहां कंगाली का सीन। जी हां, श्रीलंका के बाद भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बांग्लादेश में डीजल और पेट्रोल की कीमत में करीब 50% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। जैसे ही इस बढ़ोतरी का ऐलान हुआ, बांग्लादेश में पेट्रोल पंप पर हजारों की लाइन लग गई, जनता सड़क पर उतर गई है और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश की आजादी के बाद आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा महंगी कीमत में मिल रहा है। पेट्रोल 130 टका और डीजल 114 टका प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। बांग्लादेश में महंगाई दर सबसे ज्यादा 7.56% पर पहुंच गई है। तो साथ ही आप इन चार तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या हाल है। याद कीजिए, कुछ हफ्ते पहले कुछ ऐसी तस्वीरें श्रीलंका से भी देखने को मिल रही थी और श्रीलंका की तबाही की वजह भी चीन मुख्य तौर पर सामने आया था और यहां भी कुछ ऐसा ही है। तो कहना यह गलत नहीं होगा कि जहां जहां चीन के कदम पड़े हैं वहां वहां ये तस्वीरें देखने को मिली है। बर्बादी की तस्वीरें, तबाही का मंजर यहां देखने को मिला है और बांग्लादेश में इस वक्त जनता सड़कों पर है क्योंकि यहां पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा का इजाफा किया गया है। 5-10 रुपए नहीं बल्कि 50% यहां पर कीमत बढ़ा दी गई है और जैसे ही यहां इस बात का ऐलान किया गया कि पेट्रोल और डीजल की कीमत पे 50% कीमत बढ़ाने का ऐलान किया गया, वैसे ही जनता सड़कों पर उतर आई क्योंकि यहां महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। पेट्रोल में 130 टका और डीजल में 114 टका प्रति लीटर का इजाफा यहां पर प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है और महंगाई दर की बात की जाए बांग्लादेश में सबसे ज्यादा 7.56% पर महंगाई दर पहुंच गई है। तो ये बड़ा आर्थिक संकट बांग्लादेश में खड़ा हो गया है और इसीलिए जो बांग्लादेश की आवाम है वो इस वक्त सड़कों पर उतर आई है और महंगाई के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रही है यहां की आवाम, यहां की जनता। और चीन के विदेश मंत्री इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर हैं। तो हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है, साथ ही हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ रहे हैं। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और साथ ही आशीष सिंह, मनोज्ञा लोहिवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रणय भी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे मेहमान भी हैं दीपक वोरा जी जो पूर्व राजनयिक हैं, प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी जुड़ गए हैं अर्थशास्त्री हैं, संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी विकास, जिस तरीके की खबर यहां पर आई है सामने देखने को मिली है कि अब वैसे ही हालात जो तस्वीरें श्रीलंका से देखने को मिली अब बांग्लादेश से भी देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल अपर्णा, देखिए रिप्लिकेट हो रही हैं चीजें। जिस तरह से श्रीलंका में पहले हालात खराब हुए, महंगाई बढ़ी, बेताशा महंगाई बढ़ने के बाद वहां पर बिजली संकट पैदा हुआ, उसके बाद फ्यूल के प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए और उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए, वहाँ पर दवाइयों की कमी हो गई, खाने पीने के सामान की कमी हो गई और यहीं यहाँ पर बांग्लादेश में आप देखेंगे तो हालात कुछ इसी तरह के हैं। देखिए सबसे पहले तो फॉरेक्स रिजर्व था वो कम होता चला गया। पिछले अगर 4 महीने में आप देखेंगे बांग्लादेश का जो प्राइस इंडेक्स है वो तकरीबन 1.5 पॉइंट ऊपर गया है। 6.22 से अप्रैल में महंगाई दर थी और वो आज 7.56% हो गई है। तो महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर फ्यूल के प्राइस बढ़ाए गए क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा था और बांग्लादेश चाहता था कि उसको वर्ल्ड बैंक और IMF कुछ पैसा उधार दे। तकरीबन $4.5 बिलियन का जो है कर्ज मांगना चाहता है और उसके लिए IMF ने शर्त लगा दी कि आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत सीमित है, इसलिए आपको अगर आप पैसा चुका इसलिए पैसा नहीं चुका पाएंगे तो आप अपने फ्यूल के प्राइसेस बढ़ाएंगे तो फिर हम इस पर विचार कर सकते हैं। और उसी का नतीजा हुआ कि बांग्लादेश ने 3 दिन पहले अपने यहाँ जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो बढ़ा दिए, यहाँ तक कि केरोसिन का दाम भी बढ़ा दिया। अब हुआ क्या, इसके साथ ही वहाँ पर बिजली संकट शुरू हुआ क्योंकि डीजल बहुत महंगा हो गया था और बहुत सारे प्लांट में डीजल का इस्तेमाल होता है। बिजली जाने लगी तो उसका सीधा सीधा असर जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, उस पर असर पड़ा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले 2 महीनों में लगातार उसकी जो ग्रोथ रेट है वो गिरती चली गई, 20% जो है प्रोडक्शन कम हो गया। तो मार पर मार बांग्लादेश पर पड़ती चली जा रही है। जिस तरह से हालात श्रीलंका में थे उसी तरह के हालात रिप्लिकेट होते हुए बांग्लादेश में दिखाई दे रहे हैं। अपर्णा बिल्कुल राशिष, ये हालात उस वक्त हैं जब चीन के प्रतिनिधि यहाँ पर दौरे पर है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी होने वाली है। देखिए इट्स अ डेट ट्रैप। आप देखिए जो भी कंट्रीज
चीन के इन्फ्लुएंस में आती हैं, हमारे बगल में पाकिस्तान, हमारे बगल में श्रीलंका और अब बांग्लादेश, ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इसकी जड़ में कहीं ना कहीं अपर्णा चीन है, क्योंकि चीन लगातार ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इतने इनरोड्स बना दिए जाएं कि उनकी इकॉनमी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए। चिटागोंग पोर्ट के बारे में सभी को पता है कि वहां पर वो एंट्री करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, ऐसे डेट ट्रैप में पहुंचाया है बांग्लादेश को कि बांग्लादेश को बेल आउट पैकेज मॉनिटरी फंड से मांगना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर जहां पर चीन है, जैसा कि हम कह रहे हैं, जैसा आपने सवाल उठाया, जहां चीन जाता है उसको कंप्लीटली मेस करके रख देता है। अभी जो हमें सिराजगंज से विजुअल्स आ रहे हैं, जो तस्वीरें हम लोगों को दिखा रहे हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये स्पाइरलिंग इफेक्ट है, ये कई शहरों तक पहुंच रहा है, कई शहरों में लोग बाहर सड़कों पे निकल रहे हैं और निश्चित तौर पर ये इंडिकेटिव है कि आने वाले दिनों में हमको जैसी आग हमने हाल में श्रीलंका में लगते हुए देखी थी, वैसी ही आग पूरे बांग्लादेश में लग सकती है और इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इस पूरे क्राइसिस के जड़ में कहीं ना कहीं चीन जरूर है, क्योंकि चीन की जो मंशाएं हैं इकोनॉमिक कब्जे की है और इसी वजह से आज बांग्लादेश को भी श्रीलंका के तौर ठीक श्रीलंका की तरह इससे दो चार होना पड़ रहा है। जी प्रणय, आपसे मैं एक चीज समझना चाहूंगी। कुछ दिन पहले आप और मैं आपसी बातचीत में यहां तक बात भी कर रहे थे कि श्रीलंका जैसे और बांग्लादेश के पड़ोसी मुल्कों की हम बात कर रहे थे। कुछ वक्त पहले मुझे याद है कि बांग्लादेश की प्रॉस्पेरिटी की चर्चा हर तरफ थी कि बांग्लादेश विदेशी कंपनियां बहुत बड़ी संख्या में वहां पहुंच रही हैं, अपने कारखाने लगा रही हैं, वहां के लेबर्स का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसा क्या हुआ, क्या समझ नहीं पाया बांग्लादेश चीन की इस चाल को? देखिए अपर्णाम, इसके तीन पहलुओं से इसको समझना चाहिए, जिन विषयों का, जिन मुद्दों का को विकास ने बताया है, जिन्हें आशीष ने बताया, मैं उससे आगे की बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये आखिर क्यों हुआ और कैसे हुआ? आपको स्कूल के दिन याद हैं, जब स्कूल के साइकिल स्टैंड के ऊपर एक साइकिल गिरती थी तो उसके पीछे सारी साइकिलें गिर जाया करती थी। दिस इज कॉल्ड डोमिनोज इफेक्ट। यानी इस समय दुनिया कोविड के संकट और यूक्रेन संकट के बाद जिस तरीके के डोमिनो इफेक्ट से गुजर रही है, यानी इसका असर, इसका तनाव दुनिया के लगभग हर देश पर हो रहा है और जो छोटी इकोनॉमीज हैं उन पर ज़्यादा संकट आ रहा है। संकट नेपाल में भी है, संकट ईरान में भी है, संकट ग्वाटेमाला में भी है, संकट इटली में भी है, जर्मनी में भी है, हर जगह संकट इसका महसूस किया जा रहा है। उसका उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। जहां तक इस चीज का सवाल है कि जो एक स्टेबल इकोनॉमी थी, आज भी दक्षिण एशिया की दूसरी, यानी भारत के बाद अगर कोई दूसरी सबसे स्टेबल इकोनॉमी है तो वो बांग्लादेश मानी जाती है, जहां पर कैपिटा इनकम 2021 में तो एक वक्त ऐसा भी आया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश के अंदर पहुंच गई थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर बांग्लादेश की मजबूरी समझना इसलिए जरूरी हो जाती है। और ये दुनिया के डोमिनो इफेक्ट की बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया भर में ईंधन के प्राइसेस, एनर्जी के प्राइसेस हाई हैं। आप हमारे लिए भी जो है वो ईंधन के, यानी तेल के दाम बढ़ चुके हैं। दुनिया के कई मुल्कों में गैस का संकट है और बांग्लादेश की इकोनॉमी में एनर्जी का 57% गैस पर निर्भर है। आप देख सकते हैं कि यूरोप किस तरीके से गैस के लिए कराह रहा है और उसके लिए आपाधापी मची हुई है। तो ऐसे में बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर आना जरूरी है। दूसरी बात ये मतलब आवश्यक हो जाता है। दूसरी चीज ये कि जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, जिसे बांग्लादेश के रीढ़ माना जाता था, 80% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन जब ईंधन कम मिलेगा तो फैक्ट्रियां अपना उत्पादन कम करेंगी, क्योंकि बांग्लादेश की जो सारी इकोनॉमी और प्रॉस्पेरिटी थी वो केवल इस वजह से थी अपर्णा, क्योंकि वो लो मार्जिन पर काम करते थे। यानी सस्ता जो श्रम है वो है और कॉस्ट कम है, इसलिए ये सारी इकोनॉमी चल रही थी। लेकिन जैसे ही ईंधन की प्राइस बढ़ी, प्रोडक्शन कम होगा, प्लस दुनिया भर में कोविड के कारण कपड़ों की मांग कम हुई है, लोग महंगाई के कारण नए और ब्रांडेड कपड़े कम खरीद रहे हैं और ये भी एक वजह है कि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी इंडिकेटर हैं। अभी भी बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $45 बिलियन से घटकर करीब करीब $33 बिलियन 34 बिलियन तक है। लेकिन अभी संकट इस चीज का गहराया हुआ है कि अगर अभी रोक नहीं लगाई गई, IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं लिया गया और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और नीचे आ गया, तो जो सड़कों पर नजर आ रहा है, जिसकी जिक्र आशीष कर रहे थे, वो कई जगह फैल जाएगा और राजनीतिक अस्थिरता भी खड़ी हो जाएगी। और ये भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये पड़ोसी मुल्क का मामला नहीं है बल्कि दुनिया भर के कई मुल्कों का मामला है और भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जो कुछ हो रहा है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।